सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। यहाँ एक हम DIY करने जा रहे हैं। इसे झरोका स्टाइल देने के लिए इस पे मैंने वो रेड कलर के जो स्ट्रिप्स है इसमें मैंने चिपका दिए हैं। उसके बाद मैंने 3 पार्टीशन करके ये फोटोज उसमें स्टिक कर दिए। फ़ोटो फ्रेम मुझे फ़ोटो स्टूडियो में मिला था, उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए थे, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं अपने साथ ले आई। और एक्चुअली उसका कलर कुछ इस तरह था, तो पुराने हो गए थे, आधा कलर फेड भी हो गया था, तो इसलिए मैंने अपना रूम डेकोर का जो थीम कलर है मैंने उसमें ब्लू कर दिया है। बड़ा सा वाटर पंप पैकेजिंग रोल है, रोड साइड में ये पड़ा हुआ था। मैं सोची चलो इस पे कुछ DIY करके घर सजाने का काम आएगा। अब देखिए ये किस तरह दिख रहा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तीस साल पुराना ये ट्रंक मेरे पास रह के ये जंक हो गया था। ये एक्चुअली मेरा पापा का है, तो इसे मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ। मेकओवर में इसे यूज़ करूँगी। डिज़ाइन करने मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए मैं इसे सिंपल वाइट पेंट करके छोड़ रही हूँ। बाद में इसके ऊपर हम कोई भी कलर चेंज करके इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास भी इस तरह कोई पुराने चीज़ें यादें हैं जिसे आप अलग नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो आप जरूर देखें और शेयर करें।
जैसा आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली सूखा लकड़ी है, ये रोड साइड पे गिरा था तो मैंने उसको उठा के ले आए और इसे मैंने पूरा क्लीन करके फोन डेकोर में यूज़ किया। पुराना ये टेडी अभी भी मैंने बहुत संभाल के रखे हैं और इसके साथ मेरे काफ़ी यादें भी जुड़ी हैं। राधा कृष्ण और एक जो रेड कलर का फोटो फ्रेम है वो हमें वेडिंग गिफ्ट में मिला था और इस मेकओवर में मैंने ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया है। बेसिक चीज़ें जो भी मेरे पास थी उसे यूज़ करके मैंने घर सजाया। सजाना मुझे बहुत पसंद है एंड फाइनली आज ये मेकओवर वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। 9 मिनट का वीडियो बनने मुझे 4 महीने का मेहनत लगा है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करने ना भूलें।